हमारे छोटे भाई और भोजपुरी दुनिया के बेताज भाई सुधीर संगम जी जो भोजपुरी कलाकार के साथ साथ एक्टर भी हैं और हमारे किराकर कस्बे में आपका आगमन हुआ है और इसके आयोजक भाई हमारे सम्मानित साथी वरिष्ठ समाज सेवक भाई अभिजन भाई इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच में भाई हमारे नगर के अध्यक्ष भाई राजन खान जी और जिसके खुशी में हम लोग यहां सम्मिलित हुए हैं। हम लोगों का प्यारा दुलारा सबका चहेता सबके दिल का अजीज सम्मानित हमारी नाम राशि का नाम भाई नीरज पिंकर जी जो भक्ति सागर के लोकप्रिय गायक हैं और गायक के साथ साथ समाज सेवा का भी इन्होंने बढ़िया तजुर्बा भाई गोलू यादव जी के सानिध्य में लेने का काम किया है। गोलू यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, चंदवा के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ भाई राधा किशन के भाई भोले गुरु जी जो उसके महान हम लोगों के मालिक भी हैं और राधा कृष्ण के मालिक है तो हम लोग भी मालिक हैं। ये इनके नाम पर जो ताली मिलेंगे कोई भी कार्यक्रम बिना मीठा के अधूरा रहता है और उस अधूरे काम को किसी ने पूरा किया उसका नाम भोले बाबा है। इन्हें भोले बाबा जी जय समाज का भाई अफजल साहब की तरफ से और अपने किराने विधानसभा में जो कि आप अजगरा विधानसभा में बिलोंग करते हैं, आप बनारस से आए, आप गाजीपुर जनपद से आए भाई सुधीर संगम जी, आप सभी सम्मानित साथियों का हम किराकर विधानसभा में अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके को साथियों कि हमारी जिंदगी में शायद किसी के काम आ जाए। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये शकल दोबारा नहीं मिलेगी साथियों, जन्म दोबारा हो सकता है लेकिन शकल दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए इस शकल की पहचान अपने कर्मों की बदौलत बनाना, जो अपने कर्मों की बदौलत पहचान बनेगी वो आपके जाने के बाद भी अमर रहेगी। आदमी चला जाता है उसकी कीर्ति अमर रहती है, सावनी गुजरने के बाद कदर होती है। क्योंकि ये कर्मों की धरती है और जिन लोगों ने कर्म किया, कर्म हमारे यहाँ जैसे गरीब लोगों ने किया है, पूंजीपति और जैसे हेल्थ किसम चलने वाले लोगों ने कर्म नहीं किया था, कर्म महाराणा प्रताप जी ने किया जो घास की रोटी खाए थे, वो इतिहास के पढ़ने में है। अभी जिनकी बार आप खेसारी लाल जी की बात कर रहे थे, दिनेश लाल जी की बात करते हैं, विजय लाल जी की बात करते हैं, उनका भी जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे और आप जैसे कर्म के बदौलत उन्होंने आज ऊंचाई पहुंचने का काम किया है। इसलिए आप किसी की नकल मारो साथियों, चाहिए अकल से मारना, क्योंकि नकल जब आप अकल से मारोगे तो आपको मंजिल मिलेगी और नकल आप अकल से नहीं मारोगे तो कहीं खाई भी गिर जाओगे, न मंजिल मिलेगी न महफिल मिलेगी, सब काम आपका खत्म हो जाएगा। तो महफिल सजाने के लिए नकल में अकल की जरूरत है और नकल में अकल सीखना हो तो सुधीर भाई सीख लीजिए। सुधीर संगम जी अभी बात करते गए उन्होंने कह दिया कि मैं हीरो के शासन का दाज उतार दूंगा, तो यहाँ सब हीरो है, कोई गद्दार नहीं है। गद्दार तो किरदार में होता है, ये तो हम लोग मिलने के लिए आए हैं, ये सभी लोग हीरो हैं और हीरो के असली हीरो भाई सुधीर भाई जी आपका हम अपनी धरती पे अपनी सर जमीन आपका स्वागत वर्णन करते हुए हमसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करिएगा। हम लोगों को हमारे छोटे भाई नीरज पिंकर जी को आशीर्वाद दीजिए कि वो भी जो उसका सपना है वो पूरा हो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हौसला होगा तो फैसला होगा, तो हौसला भाई नीरज पिंकर का बढ़ाइए। अरे सुधीर संगम जी
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे।